तो ये सारे उस मालिक की, गुरु साहब की, उस नारायण, उस हरि की, उस वाहिगुरु की, गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु नानक साहब की कृपा के प्रमाण है, अकट प्रमाण है। निहायत मूर्ख किस्म का आदमी हूं मैं लेकिन ऐसे ही मूर्खों की तरह बातें करने लग जाता हूं, बापू से बातें कर लेता हूं, करता रहा हूं। लेकिन जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो मांग मांग तो सब खत्म हो जाती है, क्या मांगना है, सवाल भी सब खत्म हो जाते हैं कोई सवाल नहीं रहता है मांगना ही है तो उसका नाम, उसकी कृपा, उसकी भक्ति, उसके दर्शन, उसके दीदार, उसका रूप। बस आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, दया करो, दया करो। और अगर आप दया के घर में आए हैं तो माफ कर दो बापू, माफ कर दो, और माफ कर दिया है तो बापू मेहर कर दो। उसको बताने की जरूरत नहीं है मेहर कैसे करनी है, अगर उसकी मेहर हो गई तो बाकी कुछ रहा नहीं और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि जोत प्रकट की और एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया, उसका बोन मैरो कैंसर जो आखिरी स्टेज पे था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शायद 20 दिन या एक महीना दिया था कि इसके पास इससे ज्यादा टाइम नहीं, घर ले जाओ, और उसे तंदुरुस्त कर दिया। तो भले के लिए, परमार्थ के लिए वो दृश्य में दिखाना चाहता था। तो बापू दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है, तो उन्होंने दया करके उसकी भी बख्शिश कर दी। देख लीजिएगा कि आप मांग क्या रहे हैं, शादी मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कारोबार में तरक्की मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, ये परमार्थ के लिए मांग रहे हैं, मानवता के लिए मांग रहे हैं, भले के लिए मांग रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो इसके बारे में जरा सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वार्थवश अपने लिए मांग रहे हैं, कर्म खराब है, भाग्य खराब है, ईश्वर मजबूर है, असहाय है, चाह के भी अपने विधान को तोड़ नहीं सकते, बेगरज है, बेमोहताज है, जो उससे जुड़ता है उसके जैसा होने लगता है, जो हरि भजे सो हरि सा होई। तो मैं अपनी मूर्खता की बात कर रहा हूं, इतने सालों तक ये घटता रहा, बापू मेरे साथ थे, मुझे जवाब देते रहे, तत्क्षण जो कहता था कर देते थे, लेकिन मैं मूर्ख तो जब संगत गुरु का रूप है तो गुरु के चरण पड़े ना इसीलिए तो वो हमारे लिए चरणामृत है, बोतलें भर लाना अगर दूर रहते हो कभी, एक एक ढक्कन डाल के पिया करना, ये आजमाया हुआ है पता नहीं कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक कर दे, और साथ में नाम जपना, रात को रिपीट पे लगाना, और देखना कैसे जीवन का कायाकल्प होता, जैसे मेरे जैसे निर्गुण का हुआ। कोई सीरियल करेंगे, कोई फिल्म करेंगे, उसी में कहीं ना कहीं चलता रहता था बैक ऑफ माई माइंड। ये मैं अपनी मूर्खता की, पराकाष्ठा की बातें कर रहा हूं, तो ऐसे हम सबका हाल है। लेकिन फिर जब यहां आके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसे आईना दिखाया मुझे, तब जाके रुका तब ढेरी हुआ, तब लेट गया तब सरेंडर किया। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, इस श्रृंखला में हमने 120 एपिसोड ऑलरेडी शेयर किया आप लोगों के साथ में, ये 121वां एपिसोड होगा। हालांकि ये काफी गैप के बाद है, कुछ लोगों ने सवाल किए थे काफी पहले, जब मैंने कहा कि वो हुक्मनामा, मैंने प्रार्थना की थी, सिंह साहिबान के साथ में बैठा हुआ था और मैं शूटिंग कर रहा था प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब फिल्म की, और मैंने सिंह साहब, मल सिंह जी थे, सिंह साहब जगतार सिंह जी थे और कई सज्जन वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बात की,
ऐसे चाय पीते हुए मैंने इसका जिक्र किया था, इसी पे लोगों ने सवाल किया था कि कैसे अगर वो जो पहली बार जब प्रकाश किया गया गुरु ग्रंथ साहिब का, तो पहला जो हुक्मनामा आया था अगर वही आ जाए, ये मेरी इच्छा है। वहाँ जब एंट्री होती है तो लेफ्ट साइड में लिख के लगा हुआ है दीवार पे, तो वहाँ से तो मैंने ले लिया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि वही हुक्मनामा आ जाए। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो गुरु की मौज है, हम कैसे कह सकते हैं कि वही हुक्मनामा आ जाएगा, गुरु की मौज है, जिस हुक्मनामे से वो चाहेंगे उसी से वो नवाजेंगे। मैंने कहा मैं अपनी भावना की बात कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है। तो हम लोग अपना शूटिंग करने लग गए, वहाँ रात भर शूटिंग करते रहे। मैं आप लोगों को बाद में विजुअल्स दिखाऊंगा, कुछ विजुअल्स जो हम शूट कर रहे हैं वहाँ। रात भर हमने शूटिंग की, उसके बाद में हमारी टीम थक गई, लोग चले गए, मैं और मेरा चीफ असिस्टेंट हम लोग वहाँ शूट करने के लिए, कि कभी कभी हम लोग आते हैं तो हुक्मनामा साहब श्रवण करके ही जाएंगे, उसके बाद जाके सोएंगे। तो जब पालकी साहब आई, सिंह साहब, भाई जगतार सिंह जी की ड्यूटी थी उस दिन, तो वो आए साथ में, तो हमने कुछ विजुअल्स लिए। और उसके बाद जब अंदर हम लोग खड़े हुए थे, कैमरा मेरे पास था, वो सेमी प्रोफेशनल कैमरा था, PD-150 सोनी का, तो मैं अपने पास ही रखता था। तो हमको उम्मीद नहीं थी, हम तो भूल भी गए कह के। और जैसे ही हुक्मनामा साहब शुरू हुआ तो मैं बड़ा भावविवल हो गया, क्योंकि गुरु को याद था, हम लोग तो भूल जाते हैं। तो गुरु साहब ने दया करके उसी हुक्मनामे से हमें नवाजा, संता के कारज आप खलोया। मैं बड़ा भावुक हो गया, पहले तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, फिर जल्दी जल्दी ख्याल आया, तो मैंने वो कैमरा ऑन किया। तो हैंड हेल्ड कैमरा, हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं अपनी सांस रोक के उसको स्टैटिक रखूं, और मैंने, क्योंकि वो जो दोबारा जब पढ़ते हैं तब से मुझे मिल गया, तो मैंने रिकॉर्ड किया एक यादगार के तौर पे। पहले मैं उसको उस फिल्म में डालने वाला था, फिर मुझे लगा कि शायद कुछ लोग ये महसूस करें कि मैं अपने आप की बड़ाई करना चाहता हूँ, कि गुरु मेरी सुनते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया कि वो हुक्मनामा दिखाइए फिर, तो मैंने कहीं ये कहा था कि मुझे मालूम नहीं अभी कहाँ होगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स के हमारे पास फुटेज है, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल था। फिर ये फॉर्मेट चेंज हो गए, इतने फॉर्मेट चेंज हुए हैं, बीटा था, लो बैंड था, बीटा था, उसके बाद में फिर ये डिजिटल पे आ गया, डीवी कैम आ गया, तमाम ये चीज़ें चली। खैर, तो मुझे मिल गया, मैं बॉम्बे गया था, तो मैं, मुझे कहीं ना कहीं तलाश थी कि हुक्मनामा साहब मुझे मिले, तो गुरु ने कृपा की मुझे मिल गया। फिर मैंने जिक्र किया था कि जब मैं, मुझे परमिशन नहीं थी मेरे पास, और गुरबाणी दे कौतक मैं शूट कर रहा था, और बड़ा मुश्किल था, और जो प्रधान थे GPC के या सेक्रेटरी थे, ये लोग हुजूर साहब में थे। हालांकि फ़ोन पे बात हुई, लेकिन फिर भी वहाँ बिना परमिशन के मुझे शूट नहीं करने दे। तो कैसे गुरु ने बिना परमिशन के मेरी शूटिंग करवाई, इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले। तो वो जो फूल मुझे दिया था, मेरी इच्छा थी कि मैं संगत के साथ शेयर करूँ कि ये फूल था। मैंने ये भी कहा था कि वो फूल ला के मैंने यहाँ, मैं ये क्वीन फ्लावर रिजॉर्ट है, ये वाली जगह बन रही थी उस वक्त, तो वहाँ मैं ठहरा था, तो मैंने बेड पर रख के उसका शॉट भी ले लिया, और उस फूल को मैंने अपने बैग में डाल लिया, और उसका चूरा आज तक मेरे बैग के अंदर ही है। मेरे लिए वो गुरु की एक निशानी थी, गुरु की बहुत बड़ी कृपा का प्रमाण था कि असंभव को गुरु साहब ने संभव करके दिखाया था। और मैंने वो वीडियो भी डाला जो मैंने शूट किया, डॉक्टर वासु भारद्वाज का था, जब उनका कैंसर ठीक हुआ, एक अखंड पाठ साहब सुनने के बाद तो धन्यवाद करने के लिए अंदर गए, उनकी पत्नी साथ में बैठी, तो विजुअल हमने ड्रामेटाइज किया था, वो मेरी इच्छा थी। और कैसे गुरु साहब ने शूटिंग करवाई, कैसे मुझे रोकने की कोशिश की गई, और कैसे वो चमत्कार हुआ हरिमंदर साहब के अंदर मेरी प्रार्थना के बाद, वो मैंने बयान किया हुआ है। तो वो फूल मैं दिखाना चाहता था कि ये वो फूल था जो, मैं तो ये मानता हूँ गुरु साहब उस वक्त वहाँ विराजमान थे, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में ढूंढने की कोशिश की कि वो आदमी मुझे मिल जाए, उसके स्टिल निकाल के मैं उसको जाके मिलूं, उसके पांव पड़ूं, उसको गले लगाऊं, कि अगर कोई इंसान था तो उसके अंदर गुरु साहब उस वक्त विराजमान थे,
क्योंकि उसी ने मेरी शूटिंग करवाई। जो भी रोकने आते थे, चाहे दरबार साहब का मैनेजर था, चाहे वो ग्रंथी सिंह जो पाठ कर रहे थे, तो उनके कान में जाके वही कुछ बोलते थे और वो लोग मेरे सामने हाथ जोड़ने लग जाते थे। और जब अंत में जाके उस मैनेजर को मिला भी, वो खड़े रहे वहाँ सामने ऊपर, जहाँ पे गुरु साहब का बड़ा स्वरूप प्रकाशमान है हर की पौड़ी के ऊपर, तो उन्होंने कहा धन्य भाग है, धन्य भाग है। खैर, ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो ये दो बड़ी अद्भुत घटनाएं थी। और तीसरी तोशाखाने की मैंने जिक्र की थी कि कितनी बार मैं वहाँ गया, परमिशन लेने की कोशिश की, कोई भी राजी नहीं था। तीन चार लोगों के पास चाबी होती तोशाखाना की और कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और फिर मैंने कैसे अरदास की और कैसे गुरु ने अपने प्यारे मेरे पास भेजे और उन्होंने मुझे बताया और कैसे सारी शूटिंग करवाई बिना परमिशन के, जिसकी परमिशन मिल ही नहीं रही थी कई साल तक, उसकी परमिशन गुरु साहब ने दी। ऐसे बहुत सारी घटनाओं का मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये दो विशेष घटनाएं, या अगर मुझे फुटेज मिल गई तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। कैसे अंदर हम शूटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग क्लीन शेवन थे, मेरी टीम भी बॉम्बे से थी, और जो दूध के साथ स्नान की सेवा होती है रात को हरमंदिर साहब के अंदर, तो उसकी आज्ञा नहीं थी और सब ने जवाब दे दिया था। और मैंने बाहर बैठ के बापू से अरदास की और बापू ने जैसे मेरे कान में कहा हो, ये सारे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ रब भगवान से मेरी बातें में, तो कहा कि वो जो स्नान कर रहा सज्जन उसको जाके ये बोल। और मैं उसको जानता नहीं था, मैंने जाके उसको ये कहा, तो कैसे फिर विधि बनी। और मालिक ने रात में 12:30 बजे हमारी एंट्री करवाई और हमने वो शूट किया। तो हो सकता है कि वो पोर्शन भी मैं यहाँ पर शेयर करूँ आपके साथ, जो दूध के साथ या पहले स्नान सेवा होती है, वो कैसे हमको मालिक गुरु साहब दया करके अंदर ले गए। तो ये सारे उस मालिक की, गुरु साहब की, उस नारायण, उस हरि की, उस वाहिगुरु की, गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु नानक साहब की कृपा के प्रमाण हैं, अकट प्रमाण हैं। और इसको ही मैं कहता रहता हूँ रब भगवान से मेरी बातें, क्योंकि मैं तो मूर्ख सा आदमी हूँ, अज्ञानी हूँ। निहायत मूर्ख किस्म का आदमी हूँ मैं। लेकिन ऐसे ही मूर्खों की तरह बातें करने लग जाता हूँ, बापू से बातें कर लेता हूँ, करता रहा हूँ, और वो जवाब दे देता था और बड़ा हैरान होता था। इसके बारे में मैंने सब बहुत सारे, जो ये 121वां डाल रहा हूँ, कि वो सारी, वो फूल भी मुझे मिल गया, वो हुक्मनामा भी मुझे मिल गया, तो मुझे लगा कि मैं वो शेयर करूँ। और जिन भी लोगों, हो सकता वो देखें या ना देखें, लेकिन जिन लोगों ने बड़ा कटाक्ष किया था उस वक्त, उनको भी गुरु की इच्छा होगी कि जवाब मिले। और जो भावुक लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें आनंद आया देख के कि बापू ऐसे कृपा करते हैं, दया करके ऐसे जवाब देते हैं। जब आपकी भावना बन जाती है, जब आप दिल से बापू से बात करते हैं, ढह पड़ते हैं, बापू को पुकारते हैं, और अगर, क्योंकि उसमें ये सेवा का काम था, उसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। कई बार ये भी दिक्कत आती है कि लोग अपने लिए मांगते हैं, तमाम लोग मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, लेकिन जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो मांग मांग तो सब ख़त्म हो जाती है, क्या मांगना है, सवाल भी सब ख़त्म हो जाते हैं। कोई सवाल नहीं रहता है। और मांगना क्या है, क्या मांगूं, कुछ थिर ना रहा है, कुछ भी तो थिर नहीं है। मांगना ही है तो उसका नाम, उसकी कृपा, उसकी भक्ति, उसके दर्शन, उसके दीदार, उसका रूप, बस। तो कई बार मैं कहता रहा हूं कि आपकी अरदास बड़ी छोटी सी होनी चाहिए कि हे हरि, आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, दया करो, दया करो। और अगर आप दया के घर में आए हैं तो माफ कर दो बापू, माफ कर दो, और माफ कर दिया है तो बापू मेहर कर दो। उसको बताने की जरूरत नहीं है मेहर कैसे करनी है। अगर उसकी मेहर हो गई तो बाकी कुछ रहा नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं, बस उसकी मेहर हो जाए। तो ये छोटी सी अरदास, तो क्योंकि ये मैंने इसलिए अरदास की वहाँ बैठ के कि संगत तक वो खजाना पहुँचे, तोशाखाना का खजाना। जब जलाओ करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में पता लगे संगत को, तो एक तो ये अरदास थी, दूसरा ये कि ये स्नान सेवा वो लोग, क्योंकि 24 घंटे की मर्यादा तो किसी ने देखी नहीं होती है, और स्नान सेवा तो किसी ने देखनी क्या है, तो बापू हमारी फिल्म अधूरी रह जाएगी, कृपा कर दो। तो संगत के लिए मैं ये मांग रहा था, तो बापू ने फौरन कृपा कर दी। और ये जो मैं दिखाना चाहता था कि वो जो हुक्मनामा मैंने मांगा था,
कि बापू वही हुक्मनामे से नवाज दें तो आनंद आ जाए, क्योंकि मैं सेवादार हूँ, बापू दयालु हैं, तो मेहर के घर में आ गए होंगे, दया के घर में आ गए, तो बख्शिश कर दी उसी हुक्मनामे की। ये उनकी मौज की बात है। और फिर डॉक्टर वासु भारद्वाज का केस बहुत ही दुर्लभ केस है। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि ज्योत प्रकट की और एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया। उसका बोन मैरो कैंसर जो आखिरी स्टेज पे था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शायद 20 दिन या एक महीना दिया था कि इसके पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं, घर ले जाओ, और उसे तंदुरुस्त कर दिया। तो वो मैं दिखाना चाहता था कि वो कैसे धन्यवाद करके गया होगा, कैसा वैराग बना होगा। तो मेरी इच्छा थी, तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था कि वो भी संगत देखे जिनका विश्वास थोड़ा बहुत कच्चा है, वो परिपक्व हो तो उनका भला हो। तो भले के लिए, परमार्थ के लिए वो दृश्य मैं दिखाना चाहता था। तो बापू दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, तो उन्होंने दया करके उसकी भी बख्शिश कर दी। तो इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि मैंने इतनी बार मांगा। देख लीजिएगा कि आप मांग क्या रहे हैं। शादी मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कारोबार में तरक्की मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं या परमार्थ के लिए मांग रहे हैं, मानवता के लिए मांग रहे हैं, भले के लिए मांग रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब आप, जैसे हमारे यहाँ सरबत के लिए अरदास होती है, मैंने अक्सर ये कहा है कि सरबत के भले के लिए हमारे ग्रुप में भी, जो टेलीग्राम ग्रुप है धन गुरु नानक, उसमें करीब 2300-2400 सज्जन हैं, संगत है हमारी। तो शाम को 6 से 6:30 सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने घर में बैठ के कोई मूल मंत्र का, कोई वाहेगुरु का, कोई गायत्री मंत्र का, कोई हरिओम का, हरिओम तत्सत का जाप करते हैं, अल्लाह अकबर का करते हैं, और उसके बाद सरबत के भले के लिए, पूरी मानवता के भले के लिए अरदास करते हैं। क्योंकि जब सरबत के भले के लिए अरदास करते हैं तो जल्दी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, अल्लाह वाहेगुरु गॉड प्रसन्न होते हैं, उसमें आप भी आ जाते हैं, सरबत में आप भी आ जाते हैं। तो सब लोग अरदास करते हैं, गुरुद्वारों में भी सरबत के भले के लिए अरदास होती है, सवेरे भी सबके लिए अरदास करें तो उससे जल्दी लाभ होता है। तो इसके बारे में ज़रा सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वार्थवश अपने लिए मांग रहे हैं, कर्म खराब हैं, भाग्य खराब है। ईश्वर मजबूर हैं, असहाय हैं, चाह के भी अपने विधान को तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भी किसी दुविधाएं मत पड़ना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि आप अपने लिए मांग, उसके लिए तप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, और एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाएगी कि आपकी मांगे वांगे सवाल वाल सब खत्म हो जाएंगे, मांगना आप भूल जाएंगे, आनंद ही इतना आ जाएगा, धीरज इतना, धैर्य इतना आ जाएगा, शक्ति इतनी आ जाएगी, आनंद इतना आने लग जाएगा, बेपरवाही आ जाएगी। वो बेपरवाह है, बेगरज है, बेमोहताज है, जो उससे जुड़ता है उसके जैसा होने लगता है। जो हरि भजे सुहरिसा होए, तो आपका मन यही रहता है, जो राम राखे तिव रहिए रे भाई, ठीक है, जीव तू रखे तिव रहो, ऐसा हो जाता है मन। तो आप ये जो कुछ प्रमाण हैं इनको देखिए, और इससे अपने विश्वास को परिपक्व करिए। अगर समुची मानवता के लिए, सर्वत के भले के लिए आप अरदास विनती करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जैसे मेरे जैसे निर्गुण आदमी ने, मैंने कहा ना मैं तो बहुत ही निर्गुण, निरी, बेवकूफ़ किस्म का आदमी हूँ, निकम्मा आदमी हूँ, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्ञाता या विद्वान नहीं हूँ, और मेरी कोई बहुत बड़ी ऐसी तपस्या भी नहीं है। पिछले जन्मों में कुछ किया होगा, वो अंकित हुआ होगा, लेकिन इस जन्म में तो मैं तो वो माया नगरी का जो है एक जीव था, प्राणी था, और वहीं खाना पीना मौज मस्ती करनी, मैं तो वहीं खचित था। लेकिन बाँ पकड़ गुरु काडे अकीना अपने, मुझे वहाँ से निकाल के ले आया दया की मेरे ऊपर। तो फिर भी मेरे जैसे भी जीव ने जब प्रार्थना की तो बापू ने हाजिर होके, अंग संग होके मुझे जवाब दिया हर जगह ये तो वैसे ही मैंने जो बहुत ही मेरे दिल के करीब 2-3 घटनाएं हैं शेयर की, अदरवाइज कहीं भी दुनिया में जहाँ भी, तो तभी मैं अपनी मूर्खता की बात कर रहा हूँ, अपनी अज्ञानता की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझा, पर थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया और बड़ा मतलब मुझे चल सकते में आ जाता आदमी, हैरान, मतलब टेकन अबैक, चमत्कृत हो गया। लेकिन उसके बाद फिर उसी दुनिया में रमा रहा, वो बार बार मुझे संकेत देते रहे, लेकिन मैं फिर थोड़ी देर के लिए होता था भावुक, उसके बाद फिर वहीं चला जाता था। तो मैं अपनी मूर्खता की बात कर रहा हूँ। इतने सालों तक ये घटता रहा, बापू मेरे साथ थे, मुझे जवाब देते रहे, तत्क्षण जो कहता था कर देते थे, लेकिन मैं मूर्ख
ये मेरी मूर्खता की, मेरी अज्ञानता की पराकाष्ठा कहिए, यही समझ लीजिए कि अभी वो समय नहीं आया था। लेकिन बापू नाराज नहीं होते हैं, बहुत धीरज है उनमें, बड़े दयालु हैं। नहीं तो कोई भी आदमी ऊब जाता है, नाराज हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि कैसा धूर्त आदमी है, कैसा निकम्मा मूर्ख आदमी है, इसको समझ में नहीं आता है। तो मैं नहीं समझ पाया, इतने सारे एपिसोड्स मैंने डाले, जब यहाँ ले आए और यहाँ आके डायरेक्टली गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मालिक के हरि के दरबार से आके लिखित रूप में मुझे मैसेज देने शुरू कर दिए, तब भी मेरा ख्याल 1-1.5 महीना तो मैं उनकी खोज भी नहीं करता रहा कि ये कोई बाबा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि ये ईश्वरीय शक्ति है, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर का दूसरा रूप है, कण है उनका। मैं नहीं मानने को तैयार था, मैं अपनी खोजबीन में लगा हुआ था, बहुत बड़ा जिज्ञासु बन के, इंटेलिजेंट बन के। लेकिन उन्होंने मेरी तसल्ली करवाई तब जाके, और उन्होंने कहा था, मुझे मालूम था कि तुझे समझाना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा, ईश्वर ने तुझे बड़ी तीव्र बुद्धि दी है और तेरे सवाल भी बड़े कठिन होंगे, जटिल होंगे, तू अति कठिन व्यक्ति है, ऐसा सब मैंने शेयर किया हुआ ये पहले लिखित रूप में मुझे भेजा, और एहसास भी कराया, फोटो भी खींचे, मतलब गजब ही था भाई, विस्मयकारी था। तो तब जाके मैं रुका, मैं इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा मूर्ख आदमी हूं, तो ईश्वर कितने दयालु हैं, ये सारे प्रमाण भी दिए, मैं तब भी नहीं मुड़ा। ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये भी दिए प्रमाण, नतमस्तक हो गया, लंबा लेट गया, धन्यवाद कर दिया, भावुक हो गया, हैरान हो गया, लेकिन फिर उसी दुनिया में वही धुन की, वही बंबई, चलो बंबई, कोई सीरियल करेंगे, कोई फिल्म करेंगे, उसी में कहीं ना कहीं चलता रहता था बैक ऑफ माय माइंड। ये मैं अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा की बातें कर रहा हूं, तो ऐसे हम सबका हाल है। लेकिन फिर जब यहां आके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसे आईना दिखाया मुझे, तब जाके रुका। तब ढेरी हुआ, तब लेट गया, तब सरेंडर किया, वरना कहां मानने वाला था, ऐसा धूर्त आदमी था मैं। तो वो प्रभु, वो हरि, वो नारायण, वाहेगुरु, गुरु साहेबान का, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का, मेरा रोम रोम उनका ऋणी है, हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। मेरे पास शब्द ही नहीं होते उनका धन्यवाद करने के लिए, किन शब्दों से, ऐसे भाषा में शब्द नहीं है, सीमित हैं कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। तो मैं माफ़ी चाहता हूं, शायद मेरी बातचीत थोड़ी लंबी चली गई, बापू जो बुलवाते मैं बोलता हूं। ये जो प्रमाण शायद जिन पे कृपा है उनको बड़ा सुखद अनुभव होगा, उनके लिए सत्संग बहुत ही आनंदमय होगा, और बापू कैसे जवाब देते हैं ये देख के और भी वो चमत्कृत होंगे, उनका विश्वास और परिपक्व होगा। इस मंशा से, इस इरादे से ये शेयर कर रहा हूं, इस इरादे से नहीं कि आपको ये लगे कि मेरी तो सीधी बात है, मेरी बिल्कुल कोई सीधी बात नहीं है। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है, जब उनकी मौज होती है तो वो कृपा कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, बुलवा देते हैं, दिखा देते हैं, उनकी मौज है। और हम तो इतने ज़्यादा निकम्मे लोग हैं, और उसके बाद ये जो सारे अनुभव हुए, तो उसके बाद इतने डर गए कि मालिक को हमने एजिटेट नहीं करना है, धूर्त भिखमंगे की तरह उनके पीछे नहीं पड़ना है, सब कुछ ने दिया हुआ, सारे संकेत, सारे प्रमाण, सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद भी अगर हम लगे रहें तो ये हमारी घोर मूर्खता होगी। तो ये प्रमाण देखें, अपने विश्वास को और परिपक्व करें, कैसे मालिक ने अंग संग होकर, साथ खड़े होकर मेरे जैसे निर्गुण को उत्तर दिए, जैसा मैं कहता हूं कि बोल के नहीं देते हैं, एक्शन में देते हैं, कृत्य में देते हैं, आपको करके दिखाएंगे, ऐसे जवाब देते हैं। बोल वचन नहीं है कि बिना वजह आप बोलते रहे, मेरे जैसा आदमी, बेवकूफ आदमी बोलता रहता, नहीं। तो ये जितने भी प्रमाण थे, बस जो प्रार्थना की दिल से की, परमार्थ के लिए की, और बापू ने जवाब दे दिया। तो ये वो उत्तर है, इनको आप देखें, और पूरी तरह से अगर थोड़ा बहुत भी आपके मन में संदेह है, डाउट है किसी तरह का, तो उसे खत्म करें, अपने विश्वास को पूरी तरह से परिपक्व करें, जब दरबार से आप जाया करें,
तो दिल से बापू से बातें करके आया करें, वहां बैठ के पाठ किया करें, सुमरण किया करें। जैसे मैंने पहले कहा था, एक दिन का सुमरण एक महीने के सुमरण के बराबर है। ये गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे बताया, जो लोग नए आए उनके जानकारी के लिए, ईश्वर का कण, हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड का कण, उनका ही एक रूप, जिन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे सवालों के जवाब दिए, मेरे जीवन का कायाकल्प किया, तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं। वहाँ परिक्रमा किया करें, बड़ी परिक्रमा, ईश्वर का नाम जपते हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु या मूल मंत्र का पाठ या हरिओम तत्सत या अल्लाह हुआ पर करते हुए परिक्रमा करें, जितने भी चक्कर लगा सकें, और कहीं बैठ जाएं, जगह अंदर जगह मिल जाए ठीक है, नहीं बाहर जहाँ भी मिल जाए, सामने दरबार साहिब है, और बस जितना जप सकें, जितने दिन वहाँ रह सकें। अगर आप दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ 10-12 दिन रहें, एक साल का कोटा पूरा हो गया आपका। ये नहीं कि उसके बाद भक्ति नहीं करनी, वो तो करते हैं, वो तो आपका बोनस है, वो तो नित्यनेम करना ही है, ठीक है, ताकि हम जीते जी मुक्त होकर जा सकें। लेकिन वहाँ जब गए, चरणामृत भी लेके आना, बोतलों में भर के लेके आना, हो सकता है कोई अज्ञानी वहाँ खड़ा हो, आपको टोके, ऐसा एक बहन ने बताया, आप उसकी परवाह मत करना, क्या पता, क्योंकि गुरु रूप संगति उसमें से निकलती है, तो जब संगत गुरु का रूप है तो गुरु के चरण पड़े ना। इसीलिए तो वो हमारे लिए चरणामृत है। बोतलें भर लाना, अगर दूर रहते हो कभी, एक एक ढक्कन डाल के पिया करना, ये आजमाया हुआ है। पता नहीं कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक कर दे, और साथ में नाम जपना, रात को रिपीट पे लगाना, और देखना कैसे जीवन का कायाकल्प होता है। जैसे मेरे जैसे निर्गुण का हुआ, तो मैं इन प्रमाणों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, उनको देखिए, आनंद लीजिए और अपने विश्वास को परिपक्व करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। सतनाम वाहे गुरु संता के कार्य आप खलोया, हर काम करावने आराम, परत सुहारी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सागर मनोरथ पूरे, जय जय कार पया जग अंतर, नाथे सागर मसूरे, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराण गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम तेराया, नित सित रित दीने करते, ओट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत शुभ पाए, करते की दात सवाई राम, दात सवाई ने खोट न जाई, अंतर जानी पाया, ओट बिगन सगले उठ नाथे, दूहना नेड़ आया,
रंग कालेरे बेनसी भूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वडियाई राम जिसका कारज तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करहे जयकारा गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी येन उदम किया पाद केरा इसकी उपमा क्या गानी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निदान मेरा प्रभु करता उस्तत कौन करी जा राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारास दी जा राम नाम दी जा दान की जा बिसर नाही एक खेनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाया अनबिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मान पान अमृत पीजा बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजा जिस प्रीत लागी नाम सेती मन पान अमृत पी पी जा बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन की जा सतनाम वाहे गुरु। अंदर वाले पावन स्थान नू दुध नाल इशनान करवाया जांदा है अते फिर अमृत जल नाल इशनान करवाउण तो बाद श्री हरिमंदर साहिब दे बाकी दे अंदरले हिस्से दा इशनान करवाया जांदा है। प्रेमी सिंह हर की पौड़ी तो अमृत जल दियां बाल्टियां भर भर के इस तरह अंदर लियांदे हन अते फराश मर्यादा अनुसार अमृत जल नाल इशनान करवाउंदे रहिंदे हन। Thank you.
इशनान दी इस सेवा दे संपूर्ण हो जान तो बाद इस तरह सुकाई दी सेवा कीती जांदी है। अते सुकाई दी इस सेवा दे मुकम्मल हो जान तो बाद मर्यादा अनुसार विछाई दी सेवा कीती जांदी है। सतनाम वाहे गुरु। तोशाखाना विखे एक वड्डे शटर दे अंदर वार शीशियां दी इस अलमारी विच जलौ दा ज्यादातर सामान इस तरह सजा के रखिया जांदा है तां जो बाहरों आए किसी खास प्रमुख व्यक्ति जां यात्रुआं नूं शीशे दी अलमारी विच सजे सजाए सामान दे दर्शन करवाए जा सकन। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल